पूर्णिया में बाइक सवार अपराधियों ने एक व्यवसायी से 8 लाख रुपए लूट लिए और फरार हो गया। पीड़ित व्यवसायी बीकाकोटी थाना क्षेत्र के देवरी का रहने वाला बताया जा रहा है। व्यवसायी HDFC बैंक से पैसे निकालकर घर की ओर जा रहे थे, इसी दौरान अपराधियों ने पीछा कर आस्था मंदिर के पास इस घटना को अंजाम दिया। इस घटना के बाद पीड़ित ने हाट थाने में प्राथमिकी दर्ज करा दी है। पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। HDFC से आ रहे थे, चाय पिए, उसके बाद एक लोहा असर शोरूम के बगल में था, वहाँ से कोना कोने गुमटी के पास जो गाड़ी सजा रहा था वहाँ रोड के ऊपर हुए, हम ऊपर हुए, 10 कदम आगे गए, पीछे से आया साइड से धक्का मार के वो झोला छीन के भाग गया। झोला में क्या था? रुपया था, 8 लाख, गमछा है, उसमें ATM है, रुपया है, पंडित। तो आपको ये बता दे चले कि ये पूर्णिया की घटना है जहां पर बाइक सवार अपराधियों ने व्यवसायी से 8 लाख रुपए की घटना को अंजाम दिया, लूट लिए और फरार भी हो गए। पीड़ित व्यवसायी बीकाकोटी थाना क्षेत्र के देवरी का रहने वाले हैं और बताया जा रहा है कि व्यवसायी HDFC बैंक से पैसा निकालकर घर की तरफ जा रहे थे और तभी अपराधियों ने उनका पीछा किया और मौका देखते ही आस्था मंदिर के पास इस वारदात को अंजाम दे दिया।